केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों अपने बजट में सोने व हीरे के आभूषणों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले को लेकर सराफा व स्वर्णकार एसोसिएशन ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर अपना रोष प्रदर्शन करते हुए देश भर में सभी सराफा 14वें दिन की हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं जिला कपूरथला सराफा व स्वर्णकार एसोसिएशन के प्रधान कमल नारायण की अध्यक्षता में सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद रखकर भाजपा की केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ सड़कों पर उतरकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाथों में केंद्र के खिलाफ स्लोगन बोर्ड के साथ काली झंडियां लेकर अलग अलग बाजारों से होते हुए अपना रोष प्रदर्शन कर अपने ऊपर थोपे गए काले कानून को वापस लेने की मांग की। कपूरथला से साजन और लक्की खोसला कि साडे जेडी लेबर वर्ग है वह बिल्कुल 15 दिनों तो बेकार ते वेली बैठी है, जिन्होंने अपने रोटी दे लाले पे हैं ते किराया भाड़े भी देने योग नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट साडे नाल धक्का बहुत ज्यादा कर रही है, जेड़ा कि उन्होंने साडे खिलाफ हैगा है। असी इस काले कानून तो बहुत ही नफरत करते हैं ते इस नू जल्द तो जल्द वापस लैन की उम्मीद करते हैं, नहीं तो असी इदां दीआं रैलियां रोज़ कढ़ांगे। जदों मोदी सरकार आई सी उदों उन्हां ने बेरोजगारी दूर करन लई दो स्कीमां चलाईआं सी, एक स्किल इंडिया एक मेक इन इंडिया। पहलों तो स्किल इंडिया दे विच साडे कारीगरां नू वेले करता, जिहड़े आलरेडी स्किल्ड आ उन्हां नू वेले करके बिठाया होया बेरोजगार करता। नवे बेरोजगारां नू तां की इन्हां ने काम देना सी, जिहड़े आलरेडी स्किल्ड सीगे उन्हां नू भी वेले कर उन्हां नू वेले बिठा छड्या। दूसरा मेक इन इंडिया, मोदी सरकार की यह नीति है जिहड़ा इंडिया दे विच वर्कर आ उह वेला बैठ जाए और जिहड़े बाहरों लिया के इत्थे ठोक दित्ते जाण। कारोबार बाहर विदेशियों द्वारा चलती है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम कर रही है। साडा रोष अरुण जेटली ने जिहड़ा कानून बनाया साढ़े ते एक्साइज लाई है उहदे मुताबक है कि यह कानून वापस लिता जाए। जे कानून वापस नहीं लिता जाएगा तब तक साड़ियां दुकानां बंद रहणगियां, असी हड़ताल ते रहांगे, चाहे सानू जितने दिन मर्जी भी बंद करनियां पैण। बीजेपी पार्टी नू मोदी सरकार नू इस करके जताया सी कि उह साडा ध्यान रखेगी और साडे हक विच व्यापारियों के हक में चलेगी, मगर ये व्यापारियों की दुश्मन निकली।